हेलो फ्रेंड्स, पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भरवा करेला रेसिपी। तो उसके लिए देखिए मैंने क्या क्या लिया है। लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर और चार प्याज छोटे छोटे। अब हम इन सबको डाल करके इसमें हाथ से घुमा करके अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो इसका पेस्ट मिक्सर में भी बना सकते हैं, बट इसमें बना हुआ पेस्ट ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। तो देखिए बेसन लिया है मैंने, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और आधा केजी मेरा करेला है और जीरा लिया है। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे। आधा केजी करेले के लिए मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जो पेस्ट हमने बनाया है उसको डालेंगे। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए पेस्ट को मैंने दरदरा इसीलिए पीसा है क्योंकि ये जो है खाने में बाद में बहुत टेस्टी लगता है और बहुत अच्छे लगते हैं इससे हमारे करेले। तो इस तरीके से इसको डाल करके सारी चीज़ें मिक्स करके हम इसमें पेस्ट बना लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें जीरा, इसके बाद डालेंगे एक चम्मच जो है धनिया, एक चम्मच थोड़ा सा और ले रही हूँ मैं। इसके बाद डालेंगे इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च भी हमने इसमें ऐड की है, आधी चम्मच हल्दी। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक, हल्दी, नमक, मिर्च, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से आप करेला बनाएंगे, बहुत टेस्टी लगेंगे। और इस तरीके की बनाई हुई रेसिपी जिसको करेले खाना पसंद भी नहीं होता है ना, वो भी इसको खा करके हमेशा करेले की सब्ज़ी मांगेगा, देखना। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है, और करेले का कड़वापन बहुत जल्दी इसमें दूर हो जाता है, कड़वे भी नहीं लगते हैं करेले। और शुगर के पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छी होती है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको कितने अच्छे से मिक्स कर लिया है, देखिए इस तरीके से, ताकि लम्स ना रहें इसमें अच्छे से। इस पेस्ट को हमको गाढ़ा ही रखना है, इस पेस्ट को हमको ज़्यादा गीला नहीं करना है। जैसे हम पकोड़े बनाते हैं वैसे ही हमको इसको रखना है। देखिए इस तरीके से अब करेले के जो बीज हैं वो मैंने खोल करके निकाल दिए हैं स्पून की हेल्प से। अब हम इसमें ये जो पेस्ट हमने बना करके तैयार किया है इस तरीके से भर करके रख लेंगे। इसमें मैंने छोटे और बड़े करेले, सभी तरीके के करेले लिए हैं। आप जैसे आपके पास अवेलेबल हों वैसे तरीके के करेले ले लें, लेकिन कोशिश करें कि छोटे ही करेले हों। इस तरीके से देखिए आराम से इस तरीके से हम इसमें अच्छे तरीके से पेस्ट जो है फिल कर लेंगे। और पेस्ट को जो है हमें अच्छे तरीके से इसमें फिल करना है दबाते हुए, ताकि जो हमारा करेला है उसमें गैप ना रहे। और बहुत ही अच्छे लगते हैं ये खाने में। ये देखिए मैंने सारे के बीज निकाल लिए थे और अब मैं सभी में इसी तरीके से अच्छे तरीके से पेस्ट जो है लगा लेंगे। पेस्ट हमको इतना गाढ़ा ही रखना है, अगर पेस्ट हमारा ज़्यादा गीला हो जाएगा या पतला हो जाएगा तो फिर फ्राई करने में हमको बहुत दिक्कत आएगी और तेल में सारा जो मसाला है हमारा वो छूट जाएगा। देखिए इस तरीके से खोल खोल के हमें अच्छे से दबाते हुए इसको पूरी तरीके से भर लेना है। ये देखिए आप इस तरीके से करेला बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी आपकी सब्ज़ी। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको बता सकूं। और आपको किस चीज़ की रेसिपी चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस कोशिश करूँगी उसके बनाने की। तो इस तरीके से हम इसको फिल कर लेंगे। ये देखिए सारे करेले मैंने जो है इसी तरीके से भर लिए हैं। ये देखिए अब लास्ट ही बचा है, इसको भी हम लोग फिल कर लेते हैं। आधा केजी करेले में आपको 250 ग्राम बेसन ही रखना है, इससे ज़्यादा आप ना लें। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर करेले में जो है पिस्ट फिर इसका बच जाएगा। तो ये देखिए आधा केजी में 250 ग्राम जितना हमको करेला लेना है उससे आधी क्वांटिटी में हमको इसका पेस्ट तैयार करना है। तो देखिए सारे करेले अच्छे से फिल हो गए हैं। और ये देखिए अब हम इसको एक धागे की हेल्प से अच्छे तरीके से बांध देंगे, ताकि हमारा जो करेला है वो फ्राई करते टाइम खुले ना। सभी करेले को मैं इसी तरीके से बांध दूँगी। ये देखिए इसी तरीके से आप भी बांध दीजिएगा, ताकि जो अंदर का मसाला है वो बाहर ना निकले और करेला हमारा आराम से फ्राई हो जाए। देखिए मैं इसी तरीके से इनको बांध देती हूँ, सारे करेले हम लोग इसी तरीके से बांध लेंगे। देखिए ज़्यादा नहीं लपेटना है हमें, दो तीन बार ही बस इसको लपेटना है
और तीन बार लपेटने के बाद हम इसको तोड़ देंगे। गांठ नहीं बांधनी है क्योंकि निकालने में बाद में दिक्कत जाएगी, इसीलिए आप इस तरीके से लपेट करके रखते हैं। अब हम गैस पर कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई में मैं डालूंगी रिफाइंड ऑयल, देखिए रिफाइंड डाल रही हूँ मैं इसमें, और रिफाइंड को गर्म होने देते हैं और इसके बाद हम इसमें करेले डालेंगे। जिस तरीके से हम पकोड़े बनाते हैं उसी तरीके से हमें इन्हें फ्राई करना है, बट ये इनको जो है हमको मंदी आंच पे फ्राई करना है। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें आराम से दो उंगलियों की हेल्प से जो है करेले डालना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरीके से ऑयल ज़्यादा ही तेज़ गर्म करना है थोड़ा सा शुरुआत में, क्योंकि इतने सारे करेले डालने के बाद में ऑयल जो है हमारा ठंडा होने लगता है। तो अब मैंने आँच को बिल्कुल कम कर दिया है और करेले जो हैं हमारे देखिए गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। आप इनको अच्छे से करकरे होने तक फ्राई करें, और फ्राई होने के बाद लास्ट में इनका ध्यान रखें, अगर ये फ्राई हो गए हैं अच्छे से तो फिर ज़्यादा फ्राई ना करें, वरना इन्हें जलने में टाइम नहीं लगता है, इसीलिए आप इनको आराम से देखते हुए मंदी आँच में ही फ्राई करें। देखिए करेले हमारे कितने मस्त और अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं इस तरीके के करेले। हमको इनको एक या दो बार ही पलटना है, इससे ज़्यादा हमको इनको नहीं पलटना है। अब हम इनको एक बार और पलट देते हैं, ये देखिए अब मैं इनको एक बार और पलट देती हूँ। तो ये देखिए मैंने पलट दिया है और करेला देखिए बिल्कुल भी इसने अपना जो है मसाला नहीं छोड़ा है। ऑयल देखिए कितना साफ़ दिख रहा है। आप इस तरीके से पेस्ट बनाइएगा कि पेस्ट गाढ़ा हो, और इस तरीके से अगर आप पेस्ट बना करके फ्राई करेंगे तो आपका ऑयल जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। और अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए करेले हमारे कितने अच्छे बन करके तैयार हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से मेरे साथ आप बने रहें और मेरी नई नई रेसिपीज़ को देखते रहें। थैंक यू। करेले बनाएँ और खाएँ।